और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि काफी दिन से मैं जयपुर था तो व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा था। और अजमेर में तो ब्लास्ट पिछले 3-4 दिन से बहुत बारिश हो रही है, कल नहीं परसों बहुत ज्यादा बारिश हुई, मतलब आधा अजमेर डूब गया था, इतनी बारिश हुई है। तो गाइस अभी मैं उठ चुका हूँ, हाथ धो लिया है मैंने, रेडी हो चुका हूँ। अब मैं जाऊँगा मंदिर पूजा करने, क्योंकि सावन चल रहे हैं तो रोज मंदिर जाना चाहिए, और मैं रोज मंदिर जा रहा हूँ पिछले 22 तारीख से, एक दिन में मैंने मिस नहीं किया। कोशिश करता हूँ कि रेगुलर मंदिर जाऊँ। और गाइस ये मैंने अभी मेरी टी शर्ट आई है, ऑर्डर की थी मैंने HRX ही, तो कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लग रही है। और ये मैंने बेसिकली जिम वर्कआउट के लिए करी थी, और एक दो पैंट ऑर्डर और शायद माइट भी आ जाने वाले हैं। तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे मंदिर पहुँच के। रेडी कर लिया है मैंने मंदिर में, जो भी बिल पत्र हो गए, कुमकुम हो गई, और चंदन लाल चंदन पीला चंदन चावल, और उसके अलावा इत्र वगैरह सारे रेडी कर लिए हैं। अब मैं जा रहा हूँ मंदिर से करूँगा पूजा करके मैं आऊँगा खाना, क्योंकि बेसिकली कोशिश मैंने करी थी कि कंटिन्यू फास्ट रखने की, लेकिन रख नहीं पाया क्योंकि वो नहीं पता ना, जैसे आप जयपुर रहते हो तो वहाँ पे कोई नहीं है, बाहर ही खाना पड़ेगा, और बाहर खाओगे तो ऐसा रहता है कि क्या पता झूठा खिलाएं कैसे खिलाएं, तो वो सारी चीज़ें नहीं रह पाती। तो इसलिए मैंने कुछ किया अपने फास्ट, और अब सोमवार करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यू रहूँ। भगवान तो जाकर आ गया था, पूजा भी मैंने कर ली है, घर आ गया था, वहाँ पे शूट नहीं करता हूँ क्योंकि फिर वो मैं डालूँ तो लोग कैसे बोलेंगे कि मंदिर में जाके दिखावा कर रहा है, एंड दिखावा काइंड ऑफ मैं हूँ। और अब घर आ गया हूँ तो चलो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो सो रही है मम्मी, मेरा ऑर्डर आया था कि उसका फोन आया था मेरे पास, आ गया क्या ऑर्डर? बाहर पड़ा है क्या ऑर्डर? बाहर पड़ा है, कहाँ पड़ा है? जो टेबल पे सोफे पे रख रखा है। तो गाइस अब मैं दिखाता हूँ मेरी अनबॉक्सिंग, जो मैंने ऑर्डर किया था, मैंने बताया था ना मेरा ऑर्डर आने वाला है, तो दिखाता हूँ मैं आपको कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। बेसिकली मैंने करी थी दो टी शर्ट और एक लोअर, दो टी शर्ट बेवकूफ से, और लोअर HRX का, तो मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ तो HRX तो मेरा फेवरेट ब्रांड है, ऑलवेज प्रिफर्ड HRX के कपड़े, क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं, और मैं ऋतिक रोशन का डाई हार्ड फैन भी हूँ बेसिकली। और उसके अलावा बेवकूफ क्योंकि इंडियन ब्रांड है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो मुझे पसंद आते हैं उसके कपड़े काफ़ी, क्योंकि वो जो चीज़ें लेकर आता है वो कोई नहीं लेकर आता, लाइक आई लव बेवकूफ। तो चलो अनबॉक्सिंग करता हूँ, पहले दिखाता हूँ आपको। तो गाइस दिखाता हूँ कि क्या क्या आया है ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा कि क्या है, मेरा खुला है अभी, तो ये मेरे को पर्सनली फेवरेट लगी थी मेरी, क्योंकि इस पर जुनिस्सू भी था, तो मैं जुनिस्सू था, और मैं तानजीरो का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जुनिस्सू मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये कैरेक्टर अलग है। तो ये ब्लैक कलर की है जुनिस्सू की, ये मुझे पड़ी अप्रॉक्स 300-400 रुपए की, 400 रुपए मान के चलो ऑन एवरेज कि मेरे को 400 रुपए की टी शर्ट पड़ी जुनिस्सू की। मेरे को डेमन स्लेयर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा मैंने डेमन स्लेयर मतलब बहुत ज़्यादा देखता हूँ, और ये मुझे अच्छी लगी क्योंकि इस पर जुनिस्सू था, और जुनिस्सू काफ़ी फनी कैरेक्टर है, तो मुझे जुनिस्सू अच्छा लगा, तो ये मैंने 400 रुपए की पड़ी। पहन के भी दिखाऊंगा बहुत जल्द। एक मैंने किया भी ये लोअर है, ये HRX का लोअर, तो ये मुझे पड़ा अप्रॉक्स 700-800 रुपए का, 800 रुपए का करीब मुझे ये लोअर पड़ा HRX का। लोअर मैं प्रिफर करता हूँ HRX का, जो इंडियन ब्रांड भी है और मेरे को पसंद है HRX का लोअर, तो इसका भी मैं आपको रिव्यू दूंगा पूरा यूज़ करके कि कैसा लग रहा है, और आपको ये जाना चाहिए यानी इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि आप वहाँ से जाके ये सेम परचेज कर सकते हैं। एंड लास्टली नॉट द लीस्ट, एक और टी शर्ट मैंने ऑर्डर करी है, और वो भी आप सोच के हैरान हो जाओगे कि वो भी डिमन स्लेयर का एक कैरेक्टर है, ड्रैगन मून 1। आप शायद माइट भी, अगर आपने डिमन स्लेयर देखा हो तो आप जानते हैं, ये है ब्लू कलर की, अपर रैंक 1 है ये, और लाइक मुझे थोड़े से डिमन में से सबसे फेवरेट डिमन मेरा ये है, और उसके अलावा मेरे को एक और डिमन पसंद है, उसका नाम थोड़ा सा मैं करेंटली भूल रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूंगा उसका नाम क्या था। तो मेरे को अपर रैंक 1 अच्छा लगता है, और अपर रैंक 3 जो है वो मेरा पर्सनली फेवरेट है। मुजान तो बाप लेवल है, लाइक अगर आपने डीमन स्लेयर नहीं देखा तो आप एक बार जरूर देखें, मुजान मुझे बहुत पावरफुल लगता है। लेकिन तानजीरो, मेरे को तानजीरो की एक टी शर्ट ऑर्डर करनी है, क्योंकि तानजीरो मेरा लाइक वो पसंद है, तानजीरो की भी मैं करूँगा, लेकिन मेरे वो था कि पहले उसके सारे थोड़े करेक्टर की कर लूँ,
आखिरी में जाके तानजीरो करूँ भी, आखिरी में ही लेजेंड आता है। तो चलो अब इसका भी मैं रिव्यू दूंगा आपको। ये मुझे पड़ी 350 रुपए की करीब, पर ये भी मैंने बेवकूफ से ही मंगाई है। बेवकूफ से इंडियन ब्रांड है, प्रमोट कर रहा हूँ बेवकूफ, तुम्हें भी प्रमोट कर रहा हूँ। तो प्लीज बेवकूफ वालों मुझे स्पॉन्सर करो ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कपड़े मंगाऊँ और बेवकूफ को और ज्यादा प्रमोट कर पाऊँ। तो चलो मिलता हूँ बेवकूफ वालों में आपसे, और गाइस आपसे भी सबसे मिलता हूँ, इनका भी रिव्यू दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को परचेज करनी हो तो कर ले। मेरे को इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, बस थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग भी अच्छे कपड़े पहने। मैं तो अब अच्छे नहीं पहनता, लेकिन हाँ ठीक है, जैसा मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मैं अच्छे पहनता हूँ, दुनिया के हिसाब से नहीं पहनता हूँ, कोई बात नहीं। तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस फाइनली अभी इन शारा है स्कूल से और बारिश के अंदर, देखो क्या करता हुआ रहा, देखते हैं, दिखाता हूँ आपको क्या क्या कर रहा है। ये पूरी जगत को उतारेगा। वन पीस। क्या वन पीस? क्या एनीमे? कौन सा वन पीस? ये वन पीस कौन सा है एनीमे? ये गोजो सतारो है। गोजो सतारो, तेरे को पता है मैंने ना उसकी क्या नाम है, डीमन वन, रैंक वन डीमन है ना, उसकी टी शर्ट मंगाई है। और तेरी फेवरेट बताऊ किसकी, तेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन है पहले ये बता। जैनत्सु की टी शर्ट मंगाई है। जैनत्सु की, तू तेरे लिए भी मंगाऊ क्या? तू पहनेगा जैनत्सु? चल अभी ऑर्डर करता हूँ तेरे लिए भी जैनत्सु। कैसा गया तेरा दिन? दिखा रहा हूँ, रुक दिखा रहा हूँ। अंशिका व्लॉग में आना चाह रही थी। चलो बाय 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 बाय, चलो सब जाओ, पर छुट्टी बंद करवा के मत आइयो। बाय बाय। अब लग रही है मुझे भूख और मैं मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मा मैगी बना दो। तो मम्मा मैगी बना दो यार, मैं मैगी खाऊंगा। क्यों 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 नहीं बनाओगे मैगी यार? मम्मा मेरे को भूख लग रही है यार, मम्मी मैगी तो बनाओ यार। अरे तो मेरे को अभी जिम जाना है, आप तो खाना 1-1.5 घंटे में बनाओगे। नहीं अभी बना देती हूँ। नहीं मम्मी मेरे को मैगी बना दो, मैं मैगी खाकर वो हो जाएगा। मैं नहीं बनाती मैगी, अभी खाना खा के जाओ। अरे यार मम्मी ऐसे फोकट बकवास करने की जरूरत नहीं है, मम्मी मैगी बना दो यार प्लीज यार, अभी मेरे को मैगी खानी है। चलो मम्मी बना दो यार मैगी यार। मैं नहीं बनाती मैगी, अभी खाने का टाइम है। अरे 5:30 बजी है यार अभी यार। 5:30 बजी ना, 6-7 बजे खाना खा यार। हमेशा का आपने ऐसा का नाटक है, कुछ भी बना के नहीं देना होता, फिर कहते कि उसकी उसकी जैसे वो करूंगी क्या, कुछ बना के नहीं देना होता है। तो खा लिया करूं मैगी। अरे तो अभी बना दोगे तो क्या हो जाएगा? अभी मैं नहीं बनाऊंगी, अभी सब्जी बनाऊंगी। अभी आपका हमेशा का यह आवा ना मम्मी, ऐसे करो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मत बनाओ। आप देखना एक लड़की लेकर आऊंगा घर के अंदर जो आपकी छाती पे मुंह दड़ेगी। अच्छा गाइस तो कमेंट सेक्शन में कोई लड़की रिकमेंड करो। हाँ खाना बना के तो दे दे कम से कम। आप तो देखो ना कोई डाइट नहीं, कुछ नहीं बना के देता। डाइट तो करके देती हूं ना, ऐसी लड़की लाऊंगा मैं, ऐसी टॉक्सिक लड़की देती हूं मैं। अंडा उबाल के देती हूं तेरे को। अंडे अंडे उबाले 6 महीने हो गए, साल भर से मैंने अंडे नहीं खाया घर में। अब ऐसे कहते हैं बच्चे, बाहर अंडे खाने पड़ते हैं मेरे को, घर में नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे। हर चल ऐसी लड़की लेकर आऊंगा मम्मी, तो ऐसा परेशान करेगी ना आपको, झाड़ू पोछे करवाई, मतलब पूरी पूरी छाती में मुंह दड़ेगी आपके, वैसे मेरे ही काम करेगी। अभी हाँ। मैं सब्जी बना रही हूँ मम्मी। यार फोकट नहीं, आप मेरे को है ना मैगी खानी है। चलो मैं पहले मैगी बना देती हूँ। हाँ तो चलो लड़की भगा के मतलब, मम्मी मान गई। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? लड़की भगा के मतलब शादी करके ला, अभी मैं मैगी बना के देती हूँ। यही होता है प्लान, जब घर वाले नहीं माने तो धमकी दो, थोड़ी सी काम बन जाता है। और अब मैं मैगी बना रही हूँ, चलो बोलता हूँ आपसे धोई जाना मैगी खाकर, और फिर जाऊंगा जिम। जिम में करूंगा वर्कआउट। वर्कआउट आज मेरा बेसिकली है बैक बाइसेप, तो मैं बैक बाइसेप मारूंगा और मिलता हूँ आपसे फिर थोड़ी देर में जिम पहुंच के। जिम के लिए रेडी हो चुका हूँ, वाटर बॉटल पैक वगैरह कर लिए, और सॉक्स नहीं मिल रहे। मेरी मम्मा सॉक्स ढूंढ रही है, पता नहीं कौन से सॉक्स ढूंढ रही है। अलग अलग पेयर है ये देखो, नहीं है उसमें है नहीं। और अभी एन शॉप पे टैबलेट में खेल रहा, आदेश गया क्या? हाँ तूने उसको गेम नहीं खेलने दिया ना, इसलिए गया वो। अंश यहाँ पे आज आया है मिलने के लिए, मनाली जा रहा है छोरा, मनाली। पैसा सिस्टम ही सिस्टम, पैसा ही पैसा हो रहा है। पैसा हो तो अंश जैसा हो भाई, मतलब हाँ अंश जैसा पैसा हो, पैसा वरना साला हमारे पे तो इतना है ही ना। ये दोनों पैसा, हाँ ये एक हो गया, तो सॉक्स भी मिल गए। और अब जा रहा हूँ अंश। अच्छा तेरे इतना पैसा कैसा होगा भाई? दो 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 तो फोन। अरे फोन होने से कोई अमीर होता है क्या? एक एयरपोर्ट इसमें क्या तो भैया आती है दो दो। अरे नहीं भाई नहीं, कई तरह पैसे जा रहे हो हर महीने, तो तू भी चल ले, मना किया गया? 1000 रुपए फीस है जिम की, तो बस। तो भाई अब बस निकल रहा हूँ जिम के लिए, और जिम पहुंचे मिलता हूँ आपसे। और ये तू भाई इसको बंद कर दे अब, ठीक है ना? हो गया, टेबलेट दिया दिला दिया, पागल ही हो गया टेबलेट के पीछे, हमेशा के नाटक रहते तेरे एक जैसे। चल अब बंद करो और बैठ।
तेरे जैसा पैसा वाला क्या बनूंगा मैं बता। अरे मेरे पास कोई पैसा ऐसा नहीं है, तो घर वालों ने बोला शोरूम ये वो ये सारी चीजें है भाई के पास तो कुछ नहीं है। वर्कआउट करके आ चुके थे और अब हम आए कुछ खाने कुरान करीम पे, तो मैं मोहित और राकेश भी आए, तीनों भाई आए हैं, दोनों आए वॉशरूम और अब ऑर्डर करेंगे नाइट भी, देखो क्या करते हैं। और अभी इन्होंने एक काम बताया था फोटो स्टेट का, तो वो तो नहीं पाया क्योंकि मिली नहीं बेसिकली, फोटो स्टेट की सारी शॉप बंद थी। अब दोनों आ जाए फिर ऑर्डर करते हैं, एंड देन मिलते हैं आपसे घर पर, तो चलो बाय।